press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय वीडियो, मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक के यूपीआई चार्ज के बारे में। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट यूज करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे कोटक 881 हो, चाहे बिजनेस अकाउंट हो, अगर आप दोस्तों महीने में 30 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 30 ट्रांजेक्शन तक कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में 30 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू करते हैं तो पर हज़ार के पीछे आपको ₹5 जो है चार्ज लगेंगे प्लस जीएसटी। अगर फ्रेंड, ये नियम चार्ज कब से लागू होगा? ये नियम 1 मई से लागू होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी कोई बैंक में ये चार्ज वाला नियम जो है लागू नहीं हुआ है, ओनली कोटक महिंद्रा बैंक में ये नियम लागू हुआ है। दोस्तों, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट जो है यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो महीने में आप 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 30 ट्रांजेक्शन चाहे आप एक दिन में यूज करके ख़त्म कर लें या तो आप पूरा महीना भर में 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको मैंने ये वीडियो क्यों बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट बहुत से लोग यूज करते हैं और आज के समय में यूपीआई के थ्रू बहुत से लोग पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, यही बातें हैं। अभी SBI और भी बैंक हैं, जैसे कि जितने भी और बैंक हैं, अभी वो चार्ज के लिए कोई भी ऐसा बातें नहीं बताया है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया, हर बैंकों में कोई भी बैंक अभी ये नहीं बताया कि सभी बैंकों में अभी यूपीआई चार्ज लग सकते हैं। अभी ओनली कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में ये चार्ज लग रहे हैं। दोस्तों, यही आपसे बताना था कि अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 30 ट्रांजेक्शन के ऊपर आप एक महीने मत कीजिएगा, नहीं तो पर हज़ार पीछे आपको ₹5 प्लस GST आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और अभी जितने भी बैंक हैं उन्होंने अभी यूपीआई चार्ज नहीं लगाए दोस्तों, आने वाले समय में वो भी चार्ज लगा सकते हैं दोस्तों। मैं इसके लिए नहीं कह सकता। ये जान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि बैंक अगर कोई ऑफ़र लाता है, अगर उसे बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं तो उस ऑफ़र को जो है उसमें कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब जैसे फ्रेंड एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, बैंक ने यूपीआई सर्विस जब लागू किया था तो उस समय यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत कम लोग कर पाते थे। आज के समय में यूपीआई सर्विस सभी लोग करना जानते हैं, सभी लोग ट्रांजेक्शन करना जानते हैं और यूपीआई बहुत एक आसान तरीका है ट्रांजेक्शन करने का। तो इसीलिए दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने ये अपना चार्ज का नियम लागू कर दिया है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आपसे यही बताना था दोस्तों कि आप जो है अगर हर महीने अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 30 ट्रांजेक्शन के ऊपर मत कीजिएगा। आपको चार्ज देना है तो ही आप कीजिएगा। अगर दोस्तों और बैंकों में अगर चार्ज लगना चालू होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, आपने मन में ऐसी कोई भावना लेकर मत चलिएगा। दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाकर दिया है क्योंकि कुछ लोग को इसके बारे में नहीं पता है, कुछ लोग को पता है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।